तेज परिवार के जिगर के टुकड़ों का नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा नाम वर्मा यादव है और मैं बिहार से हूं। और इस कंपनी में आने से पहले की बात करो दोस्तों, मुझे पता आप लोग बड़े सारे लोग बैठे होंगे और हर लोग के मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं, मैं अपनी में सबकी बात, जितने लोग आप देख रहे हैं सब लोग बिल्कुल आप ही की तरह के फैमिली से उठ के आए हुए, बिल्कुल गरीब परिवार से। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपनी बात करूं, मेरी बहन की शादी हुई थी, दहेज की वजह छोड़ दिया गया था, करकट वाला घर था। इस बिजनेस में आने से पहले मैं बाहर में जॉब करता था और जब मैंने जॉब की शुरुआत किया था उस वक्त मेरे काम का सैलरी था मात्र 8 रुपया। और जब इस बिजनेस में मैं आ रहा था बाहर में 6-6.5 साल काम करने के दरमियान, तो हमारी इनकम थी 2800 रुपया। मैं इस बात से सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, कि यहाँ जितने आप लोग बैठे हुए हैं, जितने भाई बहन बैठे हुए, आप में और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, अंतर एक छोटे से समय का है। और मेरे ख्याल से मैं कहूं, जितना समय हमने ग्लेज में लगाया है ना, यदि उतना समय आप ग्लेज में लगा दिए ना भाई साहब, कसम से बोलता हूं जितना इनकम हम लोग का है उससे 5 गुना ज्यादा इनकम आपका होने वाला है। बट अब सवाल आता है दोस्तों, करना क्या पड़ेगा? जानना चाहेंगे? आवाज नहीं, जानना चाहेंगे? ये काम करना पड़ेगा दोस्तों, और वो काम कहता है कि दुनिया में हर काम संभव है। हर काम संभव है दुनिया में, किसी भी काम में आप जाके अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूले का आपको याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम। यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे पता है दोस्तों, जब हम 10 लोगों से बात करते हैं और 5 या 6 लोग हमें मना कर देते तो हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, हमें परेशान नहीं होना है, मैं आपको गारंटी देता हूं, 10 में से ऐसा भी होगा कि 10 के 10 लोग मना कर देंगे, लेकिन अगले 10 लोगों के से बात करने का आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर इस बिजनेस पे भरोसा है और आपके अंदर जुनून है, मैं कहता हूं 10 लोग मना कर सकते हैं पहली बार में, लेकिन आने वाले 10 में से कुछ लोग काम शुरू करेंगे और जो इस बिजनेस में आपको ग्लोबल डायमंड बना के खड़ा करेंगे। तो हिम्मत नहीं हारना दोस्तों, औसत के नियम पे काम करना, और औसत का नियम हर जगह लागू होता है। आप देखना, जब माँ बहने कपड़े दुकान में जाती हैं, क्या सभी माँ बहने कपड़ा लेके आती हैं? क्या एक स्कूल में बड़े सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, क्या सभी के सभी का रिजल्ट फर्स्ट आता है क्या? हेलो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आप औसत के नियम पे काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब चेतन सर 40 लोगों को लेकर के आए और कोई काम नहीं किया, जब वो इतनी बड़ी कंपनी खड़े कर सकते हैं ना भाई साहब, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं, अब उम्मीद करें, किसी के ना सुन के परेशान तो नहीं होंगे? कोई मना कर देगा तो आप रुक तो नहीं जाएंगे? दिमाग में एक बात रखिएगा, यहाँ जितने सर खड़े हैं, इन सभी लोगों ने, हमने, जितने लोग कामयाब हैं इस रूम में बैठे हैं, आपके आरडी हैं, आपके डायमंड हैं, यहाँ तक कि आपके बगल में आपके पीडी सर बैठे होंगे, ईडी बैठे होंगे, एसडी बैठे होंगे, सभी लोगों ने औसत के नियम पे काम किया तो आज इस महफिल का हीरो बन के स्टेज पे खड़े हैं, कल अगली बारी आपकी होगी। तो आखिरी बात बोलूंगा, क्या भरोसा है कि आप इस बिजनेस में जीरीडी बन सकते हैं? भैया, मुझे भरोसा है कि आप जीरीडी नहीं, या जितने लोग बैठे आप क्राउन जीरीडी बन सकते हैं। क्या आपको भरोसा है अपने आप पे? आवाज नहीं, भरोसा है? भरोसा है आपको कंपनी के शानदार प्रोडक्ट और शानदार प्लान पे? मैं फिर बोलता हूँ, चेक करूंगा, कर लें? आवाज नहीं, कर लें? हाथ ऐसे कीजिए, दूसरे एक हाथ की अंगुली इसके ऊपर रख दीजिए। और अभी एक बड़ा प्यारा खेल खेलने वाले हैं, और खेल शुरू करने से पहले फिर पूछना चाहूंगा, क्या भरोसा है? तो मेरे साथ बोलिए, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मधुमक्खी उड़, पतंग उड़, हाथी उड़। जिन लोगों ने हाथी उड़ा दिया भाई साहब, उनको सैल्यूट है, जिन लोगों ने नहीं उड़ाया, मैं कहता हूं आप भी भरोसा करिए,